भगवत कृपा से विरचित 10 ग्रंथों में 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं जो कि गणित से संबद्ध हैं। 10वां ग्रंथ प्राथमिक वैदिकार्ष गणित, प्राथमिक वैदिकार्ष गणित का प्रकाशन शीघ्र ही होने वाला है। प्रथम ग्रंथ स्वस्तिक गणित है जिसका अंग्रेजी अनुवाद छपने के लिए दे दिया गया है। 9वां ग्रंथ गणित सूत्रम है जिसमें 300 से अधिक सूत्र सन्निहित हैं। इन ग्रंथों में गणित के वे मूलभूत सिद्धांत जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे उन्हें वेदादि शास्त्रों के आधार पर प्रकट किया गया है। शून्य को भावांक के रूप में ख्यापित किया गया है। आधुनिक बाइनरी सिस्टम, इसको हिंदी में द्व्यंक पद्धति कह सकते हैं, उसमें शून्य और एक में समस्त संख्या का सन्निवेश किया जाता है। परंतु आधुनिक बाइनरी सिस्टम में गणित की दृष्टि से ही मौलिक मूल सन्निहित है, उसका भी मार्जन गणित सूत्रम, शून्यक सिद्धि और द्व्यंक पद्धति आदि ग्रंथों के माध्यम से किया गया। फिजिक्स में जो गणित की पहेलियाँ हैं उन्हें शून्य को अभाव कोटि का मानकर सुलझाने का प्रयास किया गया है। अतः वैज्ञानिक क्षेत्र में विविध प्रकार की त्रुटि प्राप्त है। बौद्धों ने जिस प्रकार शून्यवाद को अदूरदर्शिता के बल पर ख्यापित किया, उसी प्रकार उनकी अनुकृति कर गणितज्ञों ने शून्य को अभाव मान लिया, जबकि निर्विशेष एक का नाम शून्य है और सविशेष शून्य का नाम एक है। 1-1=0, एक से एक का ऋण करने पर शून्य प्राप्त होता है और शून्य में एक को जोड़ने पर एक की प्राप्ति होती है। अतः शून्य और एक दोनों अनादि अंक हैं। इन सब गंभीर तथ्यों को 10 ग्रंथों के माध्यम से स्थापित किया गया है। द्व्यंक पद्धति गणित दर्शन इन 10 पुस्तकों में सन्निहित हैं। देखिए 10वां ग्रंथ छपने के लिए जाएगा।